अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नबीसत किचन एंड व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बेंगलुरु स्टाइल लोबे की कड़ी रेसिपी। ये रोज़ाने का सालन है, बेंगलुरु के हर घर में बनने वाली रेसिपी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत आसानी से बन जाती है ये रेसिपी। तो हम झटपट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम्स ऑफ लोबे, मैंने भिगोए नहीं हैं, आप चाहे तो भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रेशर कुकर में लोबे ऐड कर लिया है, इसमें मैंने डाला है 2 ग्लास ऑफ वाटर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसको हम छोड़ देंगे 3 विजिल्स के लिए। तो चलिए हम 3 विजिल्स के बाद मिलते हैं। अदर साइड हमने एक मसाला तैयार करेंगे। तो हमने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स, और 1 मीडियम साइज ऑनियन मैंने चॉप कर लिया है, इसको हम ऐड कर लेंगे, और 1/2 मुट्ठी लहसुन की कलियां यानी कि गार्लिक। और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टू 1.5 टीस्पून ज़ीरा, और थोड़ा सा वाटर ऐड करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम और एक पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मैं इसी जार में, इसको हम एक साइड रख देते हैं, तो इसी जार में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कोकोनट, और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसी में 750 to 800 ग्राम्स ऑफ टोमेटोस। और बहुत से लोग इसमें इमली का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इमली ऐड करना चाहते हो तो टोमेटो की क्वांटिटी कम कर लेना। तो देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब जो टोमेटोस बाकी हैं इसको भी हम इसी में ऐड करके इसका भी हम पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए हमारा पेस्ट जो है बनकर तैयार है, तो झट से हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे लोबियों को भी 3 विजल्स आ चुके हैं, ये 60% कुक हो चुका है। तो देखिए, तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने एक फ्लेम ऑन करके प्रेशर कुकर रख के 100 to 150 ग्राम्स ऑफ ऑयल ऐड करके गरम कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई के दाने, राई तड़क चुकी है। अब हम ऐड करेंगे थोड़े से करी पत्ते यानी कि करी लीव्स, और इसके बाद 1/2 ऑनियन को मैंने स्लाइस कर लिया है, इसको मैं ऐड करके भून लूँगी। तो इसको हम थोड़ी देर भूनने के बाद, हमारा ऑनियन जो है ब्राउन हो चुका है, अब हम ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो करा। जब भी आप इस तरह से ऑयल में रेड चिल्ली ऐड करेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। अब मैं इसी में ऐड कर रही हूँ जो हमने ग्रीन पेस्ट बनाया था, जो ऑनियन गार्लिक और कोरिएंडर लीव्स और ज़ीरा सब डाल के हमने पेस्ट बनाया था, इसको हम ऐड करके अच्छे से भूनेंगे। और उसी बाउल में मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके ऐड कर रही हूँ इसमें, तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और इसी में हम ऐड करेंगे इसको थोड़ी देर भूनने के बाद। देखिए मुझे वीडियो बनाने में और एडिट करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, वीडियो एडिट करने में मुझे कम से कम 3 आवर्स लग जाते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ नबीसत किचन व्लॉग्स को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 to 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। और अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, इसको भी हम भूनेंगे। भूनने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सॉल्ट। ये करी जो है कम से कम 7 to 8 पीपल्स आराम से खा सकते हैं। अब अगर आप कम लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को कम कर लेना। तो अच्छे से हमारा मसाला जो है भुन चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 केजी पोटैटो यानी कि आलू, मैंने पील करके मीडियम पीसेस में कट करके रख लिया है, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स देंगे, इसको 5 मिनट्स भूनेंगे। भूनने के बाद जो हमने लोबे बॉईल करके रखे थे उसका जो वाटर था वो मैंने सेपरेट करके रख लिया है, जो लोबे हम इसमें ऐड करेंगे।
वाटर को हमने फेंकना नहीं है, इसका भी मैं इस्तेमाल बताती हूँ। तो हमने लोबे इसमें ऐड कर लेना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको भूनेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देना। इतनी मेहनत के बाद 50-60 व्यूज़ से बहुत अच्छा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो हमारा मसाला भुन चुका है। अब जो हमने और एक पेस्ट बनाया था नारियल और टोमेटोस का, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखिए, जो मैंने टमाटोस रखे थे उसी में थोड़ा सा वाटर ऐड करके, वाटर की कंसिस्टेंसी, करी की कंसिस्टेंसी, आपको करी जितना थिक चाहिए उतना आप रख सकते हैं। तो मैंने एक मिक्स दे के अच्छे से इसको, और सॉल्ट थोड़ा, हम वो जो वाटर मैंने निकाल के रखा था लोबे का, वो वाटर हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉल्ट को हम अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर लेना। चिल्ली और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लगा, तो हम इसमें सॉल्ट ऐड करके अच्छे से इसको हम मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद इसको हम लिड लगाकर 4 विजिल्स के लिए रख देते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं 4 विजिल्स के बाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नवीसत किचन एंड व्लॉग्स। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो देखिए हमारी करी बनकर तैयार है, 4 विजिल्स आ चुके हैं। देखिए करी कितनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार है। तो इसको आप बहुत ही मज़ेदार, हर रोज़ बेंगलोर के हर घर में बनती है ये रेसिपी। तो चलिए हम इस रेसिपी को सर्व कर लेते हैं। लोबिया की कड़ी, या फिर लोबे की कड़ी बोल सकते हैं, रोज़ाने का सालन है ये। तो चलिए हम झट से करी को सर्व कर लेते हैं। आप इसको राइस के साथ, पराठे के साथ, डोसे के साथ, किसी भी रेसिपी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारी मज़ेदार लोबिया की कड़ी रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसानी से हर कोई बना सकता है। तो हमने इसको रेसिपी को झट से सर्व कर लिया है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कितने कितने अच्छे अच्छे रेसिपीज़ मैंने अपलोडेड हैं ऑलरेडी। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। थैंक यू सो मच।